नमस्कार दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा चालानों के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और ज्ञान के अभाव में बिना किसी इंटेंशन के उनका चालान हो जाता है। और इस वीडियो में मैं कॉमन चालानों के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे कि रेड लाइट जंप, मोबाइल यूज, ओवर स्पीडिंग, डेंजर ड्राइव, ये सबको पता ही होता है, बल्कि कुछ ऐसी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा शायद आपको ना पता हो या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। चालान का सेक्शन और अमाउंट वो मैं मुंह से नहीं बोलूंगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिरर से, यह है साइड मिरर। चलती हुई गाड़ी में अगर साइड मिरर आपका फोल्ड है तो उसका भी चालान होता है, या मिरर नहीं है तो विदाउट मिरर का भी चालान होता है। इसी तरह से गाड़ी के अंदर जो ये रिवर व्यू मिरर होता है ये भी मैंडेटरी है, ये आपकी गाड़ी में होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका भी चालान होता है। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा प्राइवेट गाड़ी में भी वाइपर का चालान होता है। आप किसी भी सफर में हैं और अचानक तेज बरसात होती है तो आप गाड़ी को 100 मीटर भी नहीं चला पाएंगे बिना वाइपर के, इसीलिए विदाउट वाइपर का भी चालान होता है। अब आते हैं लाइट के ऊपर। लाइट पे भी तीन चार तरह के चालान होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद अगर आपकी गाड़ी चल रही है और लाइट ऑफ है तो उसका भी चालान होता है, नॉट यूजिंग लाइट आफ्टर सनसेट का। या फिर आपकी गाड़ी में कलरफुल लाइट है, कुछ लोग इस पे टेपिंग करवा लेते हैं या अंदर से उसका बल्ब चेंज कर देते हैं जिसे नीला पीला हरा हो जाता है कलर लाइट का, वो अलाउड नहीं है, उसका भी चालान होता है यूजिंग कलरफुल लाइट ऑन मोटर का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है हाई बीम का, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाई बीम लाइट में दो ऑप्शन होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं देसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। लाइट में दो ऑप्शन होते हैं गाड़ी में। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि एक इसका फोकस जाता है खाली रोड के ऊपर, और दूसरा ऑप्शन होता है कि इसका फोकस जाता है स्ट्रेट 100-200-300 मीटर बिल्कुल आंखों में चुभता है। सामने से कोई बाइक आ रही है या कोई साइकिल वाला आ रहा है या कोई गाड़ी वाला, उसकी आंखों में चुभता है और उसको दिखाई देना थोड़ा दिखाई देने में परेशानी होती है, उसे कहते हैं हाई बीम। तो हाई बीम का भी चालान होता है। या आपकी गाड़ी में लाइट है ही नहीं, ये निकले हुए या ख़राब है, तो उसका भी चालान होता है विदाउट लाइट का। अब आइए टायर के ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी से जो टायर आए हुए होते हैं उसको निकलवा कर बड़े साइज के टायर लगवा लेते हैं, जो कि यहाँ से आउट हो जाता है 3 इंच 4 इंच, उसका भी चालान होता है। वो आरसी वॉलेशन में भी आता है और एक तरह से डेंजर ड्राइव भी है, क्योंकि उससे दूसरों को खतरा हो सकता है। तो ये टायर आपको चेंज नहीं करवाना है, टायर का भी चालान होता है। अब आते हैं कलर के ऊपर। कंपनी से जो आपको गाड़ी मिली है, जिस कलर में मिली है, जिस कंडीशन में मिली है, वही कलर वही कंडीशन आपका रहना चाहिए जो कि आरसी में रजिस्टर्ड है। जैसे ये वाइट कलर की गाड़ी है तो कुछ लोग इस पे इसका जो छत है उसको ब्लैक करवा लेते हैं, या बोनट का कलर जो है वो चेंज करवा लेते हैं, इस पे टेपिंग करवा लेते हैं, रैपिंग करवा लेते हैं, वो अलाउड नहीं है, उसका भी चलान है। और आजकल का एक वो चला हुआ है कि जैसे सफ़ेद कलर की गाड़ी है तो इस पे टेपिंग कराकर इसको ब्लैक, ब्लू, रेड वैसा करवा लेते हैं, उस कंडीशन में आपकी गाड़ी इम्पाउंड हो सकती है। गाड़ी का कलर चेंज आप अपने मिजाज के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, जैसा आपके आरसी पर है वैसा ही कलर होना चाहिए। और एक और एडवर्टाइजमेंट का, कुछ लोग इसके ऊपर प्रचार लिखवा लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, वो अलाउड नहीं होता किसी भी कंपनी का या किसी भी इसका। और चुनाव के समय में इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार, वो भी अलाउड नहीं है, उसका भी चालान होता है। अब एक चालान ऐसा जो शायद वाकई में आपको ना पता हो, वो मैं आपको बताऊंगा। चलती हुई गाड़ी, जब आपकी गाड़ी चल रही है तो शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हाथ है या आपका मुंह है। या सनरूफ वाली गाड़ियों में कुछ लोग आधा शरीर बाहर निकाल लेते हैं चलती हुई गाड़ी में, वो अलाउड नहीं होता है, उसका चालान होता है और वो डेंजर ड्राइव में भी आता है। अब फिर से एक और चालान, वो है स्मोकिंग का। चलती हुई गाड़ी हो या गाड़ी रुकी हुई है, अगर आपकी गाड़ी पब्लिक प्लेस में है तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है, चाहे वो ड्राइवर है या ड्राइवर के साथ बैठने वाला को पैसेंजर है या पीछे की सीट पर भी कोई बैठता है तो स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी तो आपकी प्राइवेट है लेकिन जो प्लेस आपके वो जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है वो पब्लिक प्लेस है। तो ये बता दिया। अब मैं आता हूँ एक नंबर प्लेट के ऊपर। नंबर प्लेट के भी कई तरह के चालान होते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं होता, ज्ञान के अभाव में उनके चालान कट जाते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, यही लीगल है, यही अलाउड है। इसके अलावा कुछ लोग इसको निकलवा कर बाहर से नंबर प्लेट बनवा लेते हैं, VIP फैंसी नंबर गुदे हुए, कुछ अंक छोटे कुछ अंक बड़े, उसका भी चालान होता है। या अपनी जाति को यहाँ लिखवाना, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, उसका भी चालान होता है। या अपने रसूख का इस्तेमाल करना, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सरपंच, नंबरदार, उसका भी चालान होता है। या कुछ लोग यहाँ चुटिया टांग लेते हैं नंबर छुपाने के लिए, नींबू मिर्ची टांग लेते हैं ताकि नंबर छुप जाए और कैमरे वाला चालान उनका ना हो पाए, जो कि रेड लाइट का होता है, सीट में उसका ओवर स्पीड का होता है। तो आपको जो आपका नंबर प्लेट है बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, विजिबल रखना, ऐसे हाई सिक्योरिटी, तो इसका कोई चालान नहीं होगा। मॉडिफिकेशन तो कुल मिला के लास्ट में ये 5-7 मैंने आपको चालान बताए हैं, ये मेरे अनुभव के आधार पर,
कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मैं ग्राउंड में हूँ, फील्ड में हूँ, ट्रैफिक में पोस्टेड हूँ, और वाकई में बहुत लोगों को नहीं पता होता कि शीशे का भी चलाना है, वाइपर का भी चलाना है, और ये टायर बाहर है उसके भी चलाना है, नंबर प्लेट पर कुछ लिखवा रखा है उसका भी चलाना है, या गाड़ी पे कुछ वैसा पेंट करवा रखा है उसका भी चलाना है, टेपिंग करवाया है उसका भी चलाना है, प्रचार है उसका भी चलाना है, या जाति धर्म लिखवा रखा था उसका भी चलाना है। तो ये 5-7 तरह के मैंने आपको चलान बताया, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन देने की, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना।